मेरी प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से इस समास के अंतर्गत द्वंद्व समास में आप सभी का स्वागत है। आज का कुछ विचार इस तरह है, एक व्यक्ति प्रतिदिन काम को करने की चेष्टा करता है परंतु प्रतिदिन काम को कल पर टाल देता है। एक पक्ति के माध्यम से वह चांदनी रात में सोया, सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह स्वयं गुजर गया, कुछ कर न सका हार कर। जी हाँ दोस्तों, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा कि आज का काम आप कल पर टालते जा रहे हैं और इस तरह आपका समय बीतता जा रहा है। आइए आज हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है, द्वंद्व। जिस समास में द्वंद्व की स्थिति आ जाए, यानी दोनों शब्द प्रधान हो, पहला पद भी प्रधान हो, दूसरा पद भी प्रधान हो, अगर एक साथ आपको दो काम दिया जाए और दोनों महत्वपूर्ण हो, तो आप द्वंद्व में आ जाएंगे, असमंजस में आ जाएंगे कि पहले हम किसे करें। तो कुछ इसी तरह का द्वंद्व समास में भी पाया जाता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी गौड़ नहीं होता था, कोई भी छोटा नहीं होता, उसे द्वंद्व अर्थात जोड़ा युग्म समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, यानी कि समस्त पद जब आप बनाते हैं तो जो समुच्चय बोधक होता है, जो दोनों को जोड़ता है, पहला पद प्रधान और दूसरा पद प्रधान को, वह गायब हो जाता है। जैसे अन्न जल, अन्न जल क्या है, इसमें और जो समुच्चय बोधक है वह गायब हो गया है। और जैसे ही हम विग्रह करते हैं तो वह वापस आ जाता है, दिखाई देता है। लोप का मतलब गायब। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब ही होता है वह अव्यय जो जोड़ने का काम करता है। अव्यय का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन न हो। अन्न जल आजकल ये दोनों शब्द, आजकल दोनों शब्द क्या है, प्रधान। जब विग्रह आप करेंगे तो समुच्चय बोधक जो अव्यय है वो आ जाएगा, और जब समस्त पद करेंगे तो गायब हो जाएगा। यही द्वंद्व समास होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों की विशेषता पाई जाती है, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आज महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार कल भी महत्वपूर्ण है। आज ही कल है, कल ही आज है। आटा दाल, ऊंच नीच, ऊंच के बिना नीच नहीं, नीच के बिना ऊंच नहीं। अगर ऊंच इस धरती से हटा दिया जाए, ऊंचे तो नीच किसे कोई कहेगा, अगर नीच को हटा दिया जाए तो ऊंच किसे कोई कहेगा। गंगा यमुना, ठीक है, घर द्वार, जीवन मरण, दूध दही, धनी मानी, यानी धनी मानी मतलब धन को मानने वाला, नदी नाले, इस तरह जितने भी ये दिए हैं, ये सब में क्या है, दोनों पद प्रधान है। और विग्रह करने पर वह समुच्चय बोधक अव्यय आ जाता है। समस्त पद में लाने पर समुच्चय बोधक अव्यय गायब हो जाता है। कुछ विशेष है, कभी कभी और का विस्तृत अर्थ होता है, और जो समुच्चय बोधक अव्यय है इसका कभी विस्तृत अर्थ भी होता है, और समान वस्तुओं के समूह का अर्थ प्रकट होने लगता है। जैसे नर नारी, ठीक है, नर नारी का मतलब सभी लोग, बच्चे बूढ़े, इसमें भी सभी बच्चे बूढ़े, ठीक है, ये विशेष है। बात समझ में आ गई, कल आपको पढ़ाएंगे अव्यय भाव समास। अगर द्वंद्व समास के अंतर्गत कोई भी एग्जाम्पल आपको समझने में दिक्कत पैदा कर रहा हो, ठीक है, आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य संपर्क करें। बहुत बच्चे मुझसे संपर्क करते हैं, पूछते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, ठीक है, आप भी पूछने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आज बस इतना ही, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद।
जय भारत।